स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा अभी प्रेमक बसात के बारे में, फिल्म बन के लगभग तैयार हो चुकी है जी, कब तक आप लोग रिलीज के प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए फिल्म अभी जस्ट कंप्लीट हुई है क्योंकि मेन फेज फिल्म का शूटिंग ऑलरेडी हो चुका था, लेकिन मेरा शेड्यूल कुछ ज़्यादा यू नो लाइक इट वाज नॉट सो कंफर्टेबल। सो कल ही हम लोगों ने शूटिंग रैप अप किया है अपना, टोटल शूटिंग हम लोग का खत्म हो चुका है, जो सॉन्ग का कुछ हम लोग का सीन वगैरह पेंडिंग था। तो मूवी को मई के अंतिम हफ्ते में इंडिया में रिलीज का प्लान किया गया है, और नेपाल में जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे हम लोग मैथिल ऑडियंस, नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा लैंग्वेज आई मीन बोले जाने वाला लैंग्वेज मैथिली है, तो वहाँ पे जून में रिलीज करने का हम लोगों का इनिशियल फेज। अब वो बाकी आई थिंक प्रोडक्शन टीम के ऊपर होगा कि वो लोग कब करेंगे, लेकिन अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मई के लास्ट वीक तक मूवी थिएटर में हिट करेगी। आप पहले से मैथिली लैंग्वेज जानते थे या फिर इसके बाद सीखे हैं? नहीं, मैं एक्चुअली मेरा नाम कर्ण मतलब हम लोग बेसिकली मेरे पूर्वज लोग इंडिया से बिलोंग करते थे, लाइक 78 ईयर्स बिफोर मेरे परदादा वगैरह इंडिया से शिफ्ट होकर नेपाल में आ चुके थे। तो हम लोग बेसिकली अभी आई एम नेपाली सिटीजन, नेपाली पासपोर्ट होल्डर, एंड तो मैथिली जैसे मैंने अभी कहा कि नेपाल में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी लैंग्वेज है। आप जो नेपाल में अभी लेटेस्ट स्टेट डिवाइड हुआ है, तो स्टेट नंबर टू जो हम लोगों का मध्य प्रदेश है, तो वो मैथिली ही सबसे ज़्यादा बोली जाती है उस प्रदेश में। तो मैथिली मैं बचपन से ही बोलता हूँ, घर पर भी मैथिली बोलता हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने यू नो लाइक मैथिली में ही मेरे से इंट्रैक्ट किया है बचपन से। तो बोलने के लिए तो आई स्पीक 17 लैंग्वेजेस, लेकिन आई थिंक मैथिली वर्ल्ड के सबसे एक कहा जाता है बहुत ही अनुशासित, डिसिप्लिन और रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज है। तो आई फील प्राउड ऑल्सो कि मैं एक मैथिल हूँ, आई एम फ्रॉम मिथिला, एक प्राउड भी फील होता है मुझे। मैथिली में अब ठीक है, अब है ना, अब अथी आबि गए, एगो सजेशन आबि गए, ओपिनियन आबि गए, तो मैथिली में इंटरव्यू दी आप जो बाकी के फ्लो ऑफ जाते इंटरव्यू के, तो मैथिली हम बच्चे से बजे छे, घर में भी हम मैथिली बजे छे, इनफैक्ट अपन पेरेंट्स भी हम मैथिली में बात करे छे। अच्छा, तो कहियो तो प्रेमक बसात सिनेमा के केना भेटो? जना कि हम कली कि हम शो करत रहिए, हमरा हमर डायरेक्टर के फोन एले, डायरेक्टर के फोन एला के बाद हम वाज लाइक मैथिली मूवी छे, मैथिली मूवी केना करिए, अब होइ छे होने को भोजपुरी मूवी भी बहुत एक भेटले 2014 से लेके 16 तक में भोजपुरी मूवी का भी बहुत ऑफर आया, लेकिन उस टाइम पे मेरा मॉडलिंग करियर का एक इनिशियल फेज था, नेपाल में लेटेस्ट मेरा यू नो लाइक एक मॉडर्न एंट्री हुआ था, और उस टाइम पे मेरी फैन फॉलोइंग बढ़ रही थी, तो इसलिए मैंने मूवीज में अभी नहीं जाने के लिए मेरा अभी सोच बना। तो हम नहीं व्हाट्सएप पर कॉल आए, हम सब मूवी के बारे में हम स्क्रिप्ट सुन लिए, स्क्रिप्ट हमारा काफ़ी पसंद आए, तो स्क्रिप्ट हम सुनते के साथ में हम डायरेक्टर रूपक सर जी के कली के रूपक जी ये मूवी में तो मैं ही काम करूँगा, अब आपको जो करना है आप करिए, लेकिन इस मूवी के लिए जो आपने एक कैरेक्टर देखा हुआ है, मोहन का कैरेक्टर देखा हुआ है, तो उसके लिए शायद पीयूष करनी फिट होगा, तो आप मेरे को ही शामिल कीजिए इस मूवी में, एक हिस्सा बनाइए करके मैंने रिक्वेस्ट किया उनसे, और आज उसी मूवी के बदौलत आज मैं मुंबई में आप लोगों के समक्ष बैठा हुआ हूँ, आप लोगों के समक्ष लाइव आ रहा हूँ प्रेमक बसात, जो कि मैथिली की एक बहुत ही अभी तक की महंगी और तकनीकी हिसाब से बहुत ही सुविधा यू नो लाइक फुल कंफर्टेबल जोन की एक मूवी है, तो उसका हिस्सा बन पाया हूँ मैं। अच्छा, तो पीयूष करनी जी, रूपक शरण जी आपकी फिल्म के निर्देशक हैं, तो उन्होंने आपको कॉल किया था, इंटरनेशनल कॉल किया था, तो प्रेमक बसात मूवी करने का अनुभव कैसा रहा? मेरी पहली मूवी थी, शॉर्ट मूवी मैंने कन्नड़ में की हुई है पहले भी, 2014 में ही की थी, लेकिन एक हाई बजट, एक टेक्निकली के हिसाब से बहुत ही लंबा चलने वाला एक फुल फैमिली एंटरटेनमेंट पैकेज की मूवी करने का जो अनुभव था वो मेरे लिए बहुत ही एकदम अभी भी मैं याद करता हूँ, तो काफ़ी सब लोग वहाँ पर टीम के बहुत ही अच्छे थे, अनुभवी थे, मेरे को एक्टर एक्ट्रेस सब लोग थिएटर से बिलोंग करते थे, एक मैं ही था जो मॉडलिंग लाइन से इंटर किया था इसमें, और काफ़ी लोग वो लोग तो वन शॉट आर्टिस्ट थे, लेकिन मेरे को कहीं कहीं भी डिफ़िकल्टी हुई, लेकिन मेरे डायरेक्टर सर और मेरे टीम, मेरे एडी वगैरह सब ने भी बहुत मुझे हेल्प किया कि नहीं इसको ऐसे कीजिए तो बेटर रहेगा, और मैंने अपना बेस्ट दिया, और शायद मुझे लगता है कि आप लोगों को भी ये मूवी बिल्कुल पसंद आएगी, क्योंकि इस मूवी की जो स्टोरी है वो औरों मूवी से बहुत ही हटके है, दिस इज टोटली डिफरेंट स्टोरी, बिकॉज यू आर गोइंग टू हैव अ फाइन इन रोमांस, इमोशन, ड्रामा, कॉमेडी, एक्शन, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू फाइंड दिस मूवी। फिल्म में हीरोइन के साथ कुछ रोमांस है या कुछ बताएं? देखिए अब प्रेमक बसात नाम ही है, अब लव स्टोरी है, एक्शन है, रोमांस है, ड्रामा है, तो मेरी को एक्ट्रेस जो कि रैना बनर्जी, जो कि बंगाल से बिलोंग करती है, और उन्होंने साउथ में भी काम किया हुआ है, काफ़ी शॉर्ट मूवीज़ की हुई है और काफ़ी टैलेंटेड भी है वो, उनसे भी मुझे काफ़ी मदद मिली, तो
रोमांस अब आते के साथ ही मूवीज में थोड़ा बहुत तो प्यार में तो सीन हो ही जाता है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है जिससे कि यू नो लाइक फैमिली को दिखने में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो, तो वैसा कोई ऐसा सीन नहीं, इंटीमेट की कोई भी सीन नहीं है इस मूवी में। फिल्म में हमारे मेरे जो सेकेंड लीड है मेल में वो जीतू जी है, काफ़ी एकदम थिएटर में उम्दा आर्टिस्ट है। उसके बाद सोनू जी हैं, मोना रे जी हैं, सैल झा है, प्रज्ञा झा है, रैना बैनर्जी मेरी को एक्ट्रेस है। उसके बाद हम लोगों को कुणाल ठाकुर जी हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जिनसे मैं कभी मिला तो नहीं, लेकिन उस दौरान मुझे एक ऐसी अनुभव हुई कि इस एक महीने में मैंने एक न्यू फैमिली बनाई है, जो कि हम लोग के शूटिंग यूनिट में थे। एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर कुणाल जी हो गए, डायरेक्टर रूपक सरर, एडी चंद्रभूषण झा, एडी अमलेश जी, प्रोड्यूसर वेदांत जी, सबसे एक ऐसा रिश्ता बन चुका है कि अब लगता है कि नहीं, अब शायद दूसरी फैमिली है मेरी। अगर मेरे मम्मी डैडी के बाद कोई है अभी फैमिली में जिनको मैं रिस्पेक्ट कर सकता हूं, तो आई थिंक मेरी यही टीम है। फिल्म बनाने के लिए प्रोड्यूसर का बहुत बड़ा योगदान होता है। जी बिल्कुल। प्रोड्यूसर ने आपको कैसे कुछ सपोर्ट किया या जी? अब ऐसा है कि अब शूटिंग के टाइम पे प्रोड्यूसर जी आ नहीं पाए थे, जो हम लोग की इनिशियल शूटिंग हुई थी समस्तीपुर में एक महीने के थे, उसमें उनसे मुलाकात तो नहीं हुई थी, लेकिन उनसे सोशल मीडिया पे मेरी काफ़ी बात होती थी, वीडियो कॉल के दौरान बातें वगैरह होती थी, तो उनसे मुलाकात अभी सिर्फ कुछ ही दिनों पहले हुई है। मैं मुंबई आने के बाद उनसे मिला, लेकिन जो उनसे मिलने के बाद का जो अनुभव है, एकदम ही बहुत ही फैमिलियर, एकदम ही ब्रदरहुड टाइप के इंसान है वो, और एकदम ही फ्रैंक और बहुत ही अच्छे है, दिखने में भी अच्छे हैं। मैंने तो कहा आप ही काम कर सकते थे, बेकार में आपने इतना खर्चा करके नेपाल से एक्टर को मंगवाया, लेकिन जिनका जो काम है वो काम करे, उनका एक बहुत ही अच्छा एक स्टेटमेंट है जो कि मुझे बहुत पसंद आया, तो ही इज अ वेरी गुड पर्सन। फिल्म में काफ़ी अच्छे से गाने देख रहा हूँ, किसने गाया कुछ बताएंगे? जी, फिल्म में म्यूजिक डायरेक्टर हम लोग के नेपाल से जो गीत उन्होंने गाया है, नेपाल में भी उनका काफ़ी नाम चला हुआ है, और नेपाल में उन्होंने एक सॉन्ग भी दिया आई एम सॉरी, जो कि यूट्यूब पे काफ़ी हिट हुई, 10 मिलियन व्यूज है उसके भी नेपाल में आई एम सॉरी के, तो वो प्रवेश मलिक जी है, और एक सुमन जी है जिन्होंने बहुत ही अच्छा गाना गाया हुआ है। आई थिंक मैं उनका एक फ़ैन भी हो चुका हूँ, क्योंकि मैथिली सॉन्ग मैं पहले सुनता नहीं था, लेकिन जब खुद मूवी में आने के बाद जो मैं म्यूज़िक सुन रहा हूँ, तो आई थिंक उस लेवल की म्यूज़िक मैंने आज तक मैथिली इंडस्ट्री में कहीं भी नहीं सुनी थी। तो तकरीबन 6 सॉन्ग है मूवी में, और 6 की 6 सॉन्ग ऐसी है कि जो कि गूज़बम्प्स देती है, जो कि एक रोंगटा खड़ा करती है रोमांस में। अगर कोई कपल उस सॉन्ग को सुने तो डेफिनेटली उन लोगों को भी कहीं जाके रोमांस करने का मूड तो आएगा ही डेफिनेटली। यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री अगर जगन्नाथ मिश्रा जानते हैं? नाम सुना हुआ है। वो मैथिली भाषा से बहुत अच्छे से जानते थे, और काफ़ी उन्होंने सपोर्ट किया भोजपुरी, जिससे भोजपुरी आगे बढ़े, मैथिली फिल्म भी आगे बढ़े। तो कुछ गवर्नमेंट को वहाँ से करना चाहेंगे कि मैथिली को और आगे खींचा जाए? बिल्कुल, देखिए मैथिली इंडस्ट्री अभी बहुत छोटी है, क्योंकि इसमें प्रोड्यूसर इन्वेस्टर लोग का भी बहुत ही एकदम लैकिंग भी है, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो भी हमारे, अब जैसे इन्होंने कहा रेस्पेक्टेड जगन्नाथ जी हो गए, और भी बहुत सारे मैथिल के बहुत सारे पॉलिटिशियन है जो कि अभी सिस्टम को लगे हुए हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा उनसे कि जैसे बॉलीवुड में मुंबई को बॉलीवुड का एक नगर कहा जाता है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सल सिटी, न्यूयॉर्क को एक हॉलीवुड का कहा जाता है, काठमांडू को नेपाली कॉलीवुड का कहा जाता है, कोरिया जापान, हर देश का एक अपना इंडस्ट्री है, तो मैथिली जब विश्व में एक रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, नेपाल में उसको दूसरा लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ है, तो व्हाई आर वी नॉट गोइंग इन फ्रंट टू क्रिएट दिस इंडस्ट्री ऑफ बिगिंग मेकिंग अ ह्यूज। सो रिक्वेस्ट यही है कि आप मैथिली को भी प्रमोट करें, क्योंकि मैथिली में भी बहुत ही प्रतिभाशील एक्टर है जो कि मुंबई में आके स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको भी आप एक मौका दें, यही मेरा रिक्वेस्ट है जो भी मैथिली के लिए प्रमोशन पर काम कर रहे हैं। आप इस बात और क्या कुछ नया कुछ करने वाले हैं? अभी जैसे अब नेपाल में मेरे काफ़ी शोज़ वगैरह लाइंड अप है, अभी मेरा लंदन में शोज़ है, उसके बाद दुबई में मेरा शोज़ है, तो अब एक मॉडल होने के बाद एक इस समय काफ़ी एकदम बिजी हेक्टिक शेड्यूल रहता है कि आप आज आपका शो कहाँ पर है, कल आपका शो कहाँ पर है, आपको आज ट्रैवल करना है, कल ट्रैवल करना है, तो अभी तक ये मूवी का, अब जैसे ये मूवी कल ही कम्प्लीट हुई है, तो इस मूवी के प्रमोशन में लगना अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि ये मूवी को नेपाल, इंडिया, कतार और दुबई में रिलीज़ करने का प्लानिंग किया गया है, तो नेपाल में भी मुझे, क्योंकि नेपाल से बिलोंग करता हूँ, तो नेपाल में प्रमोशन करना बहुत ही ज़रूरी है इस मूवी का, और मैं अभी लगता है कि शायद अभी 2-3 महीने में किसी प्रोजेक्ट को नहीं दूंगा, क्योंकि ये मूवी को सबसे पहले कंप्लीट करूं, उसके बाद और भी सारी मूवीज़ का ऑफर है, नेपाली मूवीज़ अभी मैं डेब्यू करने, नेपाली में भी डेब्यू करने जा रहा हूं, अभी तकरीबन 3-4 महीने में मैं उसका वो मूवी भी फ्लोर पे जाएगी, तो अभी मूवीज़ के ऊपर ही ज़्यादा कंसंट्रेशन रहेगा मेरा। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू संदीप जी, और सभी मीडियाकर्मी को मेरी तरफ से एकदम ही धन्यवाद कि आप लोगों ने समय निकाल के यहाँ पे इस मूवी को, थोड़ा भी अगर लाइमलाइट मिलता है तो उस समय आप लोग का बहुत बड़ा योगदान होगा, धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। प्रेमक बसात आने वाली मैथिली फिल्म है,
तो प्रेमक बसात के बारे में अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि ये फाइनल स्टेज में, पोस्ट प्रोडक्शन के फाइनल स्टेज में है। अभी कल ही हमने एक गाना शूट किया है जो बचा हुआ था, हमारा डबिंग का पार्ट बचा हुआ था, जो हमारे मेन लीड इंटरनेशनल मॉडल पीयूष कर्ण जी हैं उनकी डबिंग बची हुई थी, वो डबिंग आज फिनिश हुई है। अभी दोपहर को आज वापसी है उनकी, फ्लाइट है उनकी नेपाल की। क्या कुछ दे रहे चले फिल्म को रिलीज को लेकर? फिल्म को रिलीज के को लेकर जो है तैयारियां जो चल रही है, मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि नेपाल, दुबई, कतर, बिहार को छोड़ के इन तीन जगहों पे हमारी बात चल रही है, डिस्ट्रीब्यूटर से इसको रिलीज़ करने के लिए बात चल रही है। क्योंकि हर जगह मैथिली बोलने वाले लोग हर जगह हैं, पलायन बहुत हुआ, काफ़ी पहले से पलायन होता आ रहा है मिथिलांचल में, तो बहुत सारे लोग बाहर चले गए हैं, देश से बाहर चले गए हैं, तो वहाँ पर रिलीज़ करने की प्लानिंग है। कि हमारा मकसद ये है कि इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके, क्योंकि अभी तक मैथिली फिल्मों के इतिहास में देखा जाए तो आम जन तक बहुत सारी फिल्में नहीं बनी हैं, बहुत सारी फिल्में रिलीज़ नहीं हो पाई हैं, तो लोगों तक पहुंचाना ही हमारा मकसद है। हम अपनी फिल्म को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, प्रेमक बसात को। क्या कुछ स्टार कास्ट कौन है कुछ बताएं पूरा? हमारी फिल्म में पीयूष कर्ण है जो नेपाल के इंटरनेशनल मॉडल हैं, और उनके साथ बहुत सारे नवोदित कलाकार भी हैं जो जिनको मैंने पटना, दरभंगा जगहों से ऑडिशन के जरिए लिया था, लेकिन थिएटर बेस्ड जो हैं जितेंद्र जीतू हैं, मोनारे हैं, शरद सोनू हैं, कल्पना मिश्रा जो थिएटर पर्सनालिटी हैं दिल्ली से, प्रज्ञा झा, शैल झा, ये सारे एक्टर हैं हमारे साथ। फिल्म के प्रोड्यूसर का कुछ कहना चाहेंगे? फिल्म के निर्माता, या बहुत अच्छा सवाल किया है आपने, फिल्म के निर्माता, निर्माता जो है वो माँ होता है किसी भी फिल्म का, और निर्देशक बाप होता है जैसा मेरा मानना है। तो बाप इसलिए कि उसको ताउम्र पूरा पालन करना पड़ता है, माता ने जन्म दिया है। वेदांत झा जी इसके निर्माता हैं, और उनकी जितनी भी तारीफ की जाए ये कम है, मेरे लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है उनकी तारीफ में, इसलिए कि उन्होंने खुलकर कहा था कि रूपक जी ये आपकी मूवी है, आपका बच्चा है, लालन पालन आपको करना है, और आप जितनी खूबसूरती से मूवी बनाएंगे मैं कहीं से पीछे नहीं हटूंगा, आप जैसा कहेंगे कि प्रमोशन के लिए मुझे कैसे तैयार करना पड़ेगा खुद को, कि कहाँ से एक्टर लेना है, नेपाल से मैंने मेन लीड एक्टर लिया है, कोलकाता से रैना बनर्जी जो है वो है हमारी मेन लीड एक्ट्रेस में, तो वेदांत झा जी बहुत अच्छे निर्माता के रूप में साबित हुए हैं मेरे लिए। मैथिली में और भी बहुत सारी फिल्में बनी हैं, बन भी रही हैं, आप उसके सामने कैसे टिकेंगे? देखिए सिर्फ ना सिर्फ मैथिली की बात अगर हिंदी की भी की जाए, तमिल, तेलुगु, मराठी, बांग्ला की भी की जाए, तो हर फिल्म जो है वो किसी दूसरी फिल्म से अलग होती है। हर मेकर का यही प्रयास होता है कि मेरी फिल्म कुछ अलग हटके हो। अब जहाँ तक बात है प्रेमक बसात की, तो प्रेमक बसात जो मूवी है, प्रेमक बसात, बसात तो मतलब हवा, और प्रेम की हवा, एक शाश्वत सत्य के रूप में प्रेम जो है वो धरती पे विद्यमान रहता है। मतलब कहा जाता है, कहा नहीं जाता बल्कि ऐसा माना जाता है कि प्रेम मर के भी नहीं मरता है, वो अमर होता है। तो प्रेम एक ऐसा शाश्वत सत्य है जिस पर आप कभी भी फिल्म बनाएंगे तो वो ना तो आज मरने वाला है और ना कल मरेगा। तो इस विषय पे हमने फिल्म बनाई है। दूसरी बात की इस फिल्म का जो कथानक है वो बिल्कुल गांव से, गांव में जो घटनाएं घटती रही हैं, तो पब्लिक जो दर्शक हैं हमारे वो खुद को रिलेट कर पाएंगे कि ये फिल्म, अच्छा ये जो चल रहा है ये तो मेरी कहानी है, आपके बगल में जो बैठा रहेगा बोलेगा ये तो मेरे साथ हुआ है। तो इस तरह की कुछ घटनाएं उसमें हैं जो पब्लिक को खुद से जोड़ेगी। अच्छा फिल्म के अभी जो चल रहे कार्यक्रम कहाँ तक पोस्ट प्रोडक्शन हम आखिरी दौर में हैं, अभी हमारा कलर करेक्शन का काम चल रहा है और बैकग्राउंड म्यूजिक पे भी काम चल रहा है, तो जितनी जल्दी ये हमारे पास फाइल आता है फिर सेंसर का काम हमारा बचा है। कब तक हमारे दर्शक देख पाएंगे सिनेमा को? देखिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि मई के आखिरी सप्ताह में ये दर्शकों तक पहुँचे, और किसी कारणवश, जिसको एक शब्द में कहा जाता है अपरिहार्य कारण, तो अपरिहार्य कारणवश अगर विलंब होता है तो जून के पहले सप्ताह में हम इसे दर्शकों तक लाएंगे, ये पूरी कोशिश रहेगी हमारी।